अब जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है थ्योरीज रिगार्डिंग मैरिज स्टेम। तो यहाँ फिर हम ये क्लियर कर दें बच्चों कि 1992 से इस पर कई क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन 2007 के बाद ग्रेजुअली जब सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है तो इस टॉपिक से मेडिकल पे क्वेश्चन बहुत कम आने लगे हैं, लेकिन ये कभी पार्ट ऑफ द सिलेबस हुआ करता था, इसलिए इसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। और एक हम लोग ट्रेंड ये देख रहे हैं कि कभी भी आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस जो बायो में आ रहे हैं उनमें से 70-80% क्वेश्चन तो बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में डेविएशन आ रहा होता है। ये डेविएशन कभी ना कभी किसी ना किसी एनसीईआरटी के बुक का पार्ट होता है, मतलब जो एनसीईआरटी की किताब 2007 में थी, जो 1992 में थी, जो 1994 में थी, इनमें जहाँ जहाँ जो सिलेबस दिया गया था उन सारे से क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, कभी भी डेविएशन दिखता है। तो उसी डेविएशन के का कॉन्सेप्ट ये है कि हमको थ्योरीज पढ़ना है ना। जब हम लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरीज हम लोगों को जानना है, और किसके लिए थ्योरीज है, तो थ्योरी इज गिवन फॉर मेरिस्टेम, जो हम लोग टिश्यू इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं मेरिस्टेम, उसको उससे कोरिलेटेड ये थ्योरी दी गई है। तो पहले थ्योरी को बोला गया एपिकल सेल थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं थ्योरीज रिगार्डिंग मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में जानना है। तो थ्योरीज रिगार्डिंग मेरिस्टेम, द फर्स्ट थ्योरी इज कॉल्ड एज एपिकल सेल थ्योरी। पहले थ्योरी का नाम क्या दिया गया, एपिकल सेल थ्योरी। दूसरे थ्योरी को दिया गया नाम हिस्टोजन थ्योरी, और तीसरे थ्योरी को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, उसको भी हम लोग बोर्ड पे भी लिखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों थ्योरी को हम लोग डिस्कस करते हैं। एपिकल सेल थ्योरी क्या था, तो एपिकल सेल थ्योरी, इसमें दो तरह की, जब भी कोई थ्योरी की बात होती है तो तुम्हारे दिमाग में दो बात होनी चाहिए, इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम और ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी, और तीसरी बात जो आती है वो है कि क्या ये थ्योरी किन चीजों के लिए एप्लीकेबल है। तो जब भी हम किसी भी थ्योरी की बात करेंगे तो ये तीन चीजें दिखनी चाहिए, पहला हु प्रपोज्ड द थ्योरी, सेकंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द थ्योरी, एंड थर्ड वेयर इट इज एप्लीकेबल, कहाँ ये एप्लीकेबल होगा। बस इन तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे, थ्योरी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हम लोग कहे एपिकल सेल थ्योरी, तो पहला हो गया हु प्रपोज्ड द थ्योरी, साइंटिस्ट का नाम, दो साइंटिस्ट, एक थे नागेली, इनका नाम हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए थे, तो कार्ल नागेली अलोंग विद हॉफमिसर, ये दो साइंटिस्ट मिलके ये वर्कआउट किए। साइंटिस्ट का नाम क्या क्या हो गया, कार्ल नागेली एंड हॉफमिसर, दे प्रपोज टुगेदर, ये दोनों मिलके काम किए और प्रपोज किए एपिकल सेल थ्योरी। इसका मतलब क्या लिख रहा है, नाम से इस थ्योरी के बारे में एक बात का पता चल रहा है, एपिकल सेल थ्योरी मतलब एपेक्स पे सेल मिलेगा, कितना मिलेगा, तो देयर विल बी ए सिंगल सेल, कितना मिलेगा, देयर विल बी ए सिंगल सेल, एक ही सेल मिलेगा एपिकल पोर्शन पे, नंबर ऑफ सेल विल बी वन। ये इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी का यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना नंबर में सेल मिल रहा है, तो वी विल कॉल दैट देयर इज ए सिंगल सेल, कहां पे, ऑन द पोर्शन ऑफ एपेक्स, एपेक्स कौन सा हुआ, तो ये देखते हैं ये एप्लीकेबल होगा लोअर प्लांट्स की, रूट के एपेक्स पे या शूट के एपेक्स पे एक सिंगल सेल था जो बाद में डिवाइड होके पूरे प्लांट के बॉडी को बनाया। तो पूरा का पूरा प्लांट बॉडी कैसे बना, बाय द डिविजन ऑफ ए सिंगल सेल विच वॉज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिंगल सेल था वही बार बार डिवाइड करना शुरू किया, कई बार डिवीजन के बाद वो इंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट बनाया। तो किड प्लांट में इसको देखा गया, तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं सिंगल एपिकल सेल, मीनिंग बाय एपिकल मेरिस्टेम इज कंपोज्ड ऑफ, जो एपिकल पोजीशन पे मेरिस्टेम है ये किस चीज के बने हुए हैं, तो सिंगल एपिकल सेल, यहां पे एक ही सेल अवेलेबल है। ये एप्लीकेबल हुआ एल्गी के लिए, ये एप्लीकेबल हो गया ब्रायोफाइटा के लिए, और कुछ हद तक टू सम एक्सटेंड वी कैन से देयर आर फ्यू एग्जांपल इन टेडोफाइटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये रटने की जरूरत नहीं है, अब हम ये सोचेंगे एक सेल सबसे पहले आया होगा, इसको कैसे याद रखेंगे, दुनिया में पहले क्या आया होगा, एक सेल आया होगा तो सिंगल सेल हो गया, और दुनिया में जो प्लांट आया उनमें से सबसे प्रिमिटिव प्लांट कौन होगा, सबसे प्रिमिटिव प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं लोअर प्लांट इज एल्गी ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा। ये सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन भी है, इवोल्यूशन में पानी में सबसे पहले
ग्रीन एल्गी अपीयर हुआ। तो ये एल्गी लिखे, एल्गी के साथ साथ उसी समय मिट्टी में, सॉयल में, मॉइस्ट एरिया में ब्रायोफाइटा ग्रो कर रहा था, और ब्रायोफाइटा के डेथ एंड डीके होते होने के बाद उसी लैंड एरिया में टेडोफाइटा फर्न ग्रो करना शुरू कर गया। तो सीक्वेंस में अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे, एल्गी फॉलोड बाय ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा, इन सबको हम लोग कह दिए लोअर प्लांट। क्यों बोले लोअर, क्योंकि साइज में छोटा है? नहीं, साइज में छोटा है इसलिए लोअर नहीं बोले, क्योंकि इवोल्यूशन में पहले आया, इसीलिए इवोल्यूशन की सीढ़ी में ये नीचे है, नीचे के पोजीशन में है। इवोल्यूशन को अगर एक सीढ़ी बना दे तो ये सीढ़ी के नीचे पायदान पे है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लोअर प्लांट। और हायर प्लांट किसको बोला जाएगा, जो इवोल्यूशन में बाद में आया। कब आया? जो इवोल्यूशन में बाद में आया इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, हायर प्लांट। तो ये टर्म नॉर्मली हम जब बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं लोअर प्लांट मीनिंग बाय द स्मॉल प्लांट्स इन साइज, और हायर प्लांट दे आर लार्जर इन साइज। बट टेक्निकली व्हाट इज द मीनिंग, टेक्निकली द मीनिंग ऑफ लोअर प्लांट इज द प्लांट विच केम अर्ली इन द इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन में बहुत पहले आया, अर्ली आया, इसको कहते हैं हम लोग लोअर प्लांट। तो दीज आर द एग्जाम्पल, ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, लोअर प्लांट्स का। तो क्या क्या जाने हम लोग, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में थ्योरीज देख रहे थे, कौन कौन से साइंटिस्ट कौन कौन सा थ्योरी दिए। पहले थ्योरी को हम लोग कहे एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी के बारे में बोले, देयर इज अ सिंगल सेल विच इज एप्लीकेबल, विच इज अ सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। पूरे प्लांट का ग्रोथ, इंटायर ग्रोथ किससे हो रहा है, उसी एक सिंगल सेल से हो रहा है। और ये थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम नागेली एंड हॉफमिसर। और तीसरी बात, इट इज एप्लीकेबल टू एल्गी, ब्रायोफाइटा एज वेल एज सम टेडोफाइटा, क्योंकि टेडोफाइटा में कुछ टेडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म बना, और फिर जिम्नोस्पर्म से हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। ये जो फॉर्मेशन हो रहा था इसको हम लोग इवोल्यूशन का सीक्वेंस कह रहे थे। तो ये हम लोग के बारे में पहले थ्योरी को हम लोग प्रपोज किए। अब हम लोग आते हैं दूसरे थ्योरी का, नाम दिया गया हिस्टोजेन थ्योरी, और मेरिस्टमेटिक टिश्यू के ग्रुप को कह दिया गया हिस्टोजेन। क्या कह दिया गया, पूरे ग्रुप का नाम रख दिया गया हिस्टोजेन। अब देखो इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट, ये बीएचयू में बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है, हैंस्टीन। साइंटिस्ट का नाम क्या है, हैंस्टीन। अब ये नाम याद करने का बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। हिस्टोजेन थ्योरी में वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम एच और इट एंड्स इन एन, शब्द एच से शुरू हुआ और एन पे खत्म हुआ, थ्योरी का नाम हो गया हिस्टोजेन। और जरा देखो इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट के नाम की शुरुआत भी किससे हो रही है, एच से, और किस पे एंड हो रही है, एन पे। तो दिस इज द टेक्निक हाउ यू विल रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हैंस्टीन। तो पहला क्वेश्चन याद हो गया, हु प्रपोज्ड हिस्टोजेन थ्योरी, आंसर क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज एच, और एन कॉमन है दोनों पास, तो इसके भी शुरुआत में एच है और एंड पे एन है, और साइंटिस्ट के नाम की शुरुआत में भी क्या है, पहले एच है और बाद में क्या है, एन है, द वर्ड इज हैंस्टीन। अब हम लोग कह रहे हैं हिस्टोजेन थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, तो कहते हैं दिस इज ए गुड थ्योरी फॉर रूट एपेक्स, रूट के एपेक्स के लिए। प्लांट का दो पार्ट पोर्शन होगा, एक रूट एपेक्स होगा और दूसरा शूट एपेक्स होगा, तो रूट के एपेक्स के पोर्शन के लिए दिस इज ए गुड थ्योरी। साइंटिस्ट का क्या मानना था, हैंस्टीन नामक साइंटिस्ट का मानना था कि इन द एपिकल पोर्शन ऑफ द रूट, रूट के एपिकल पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं ये रूट का एपिकल पोर्शन बना रहे हैं, यहां पर तीन लेयर होगा। पहले वाले लेयर का नाम रखेंगे डर्मेटोजेन, पहले वाले लेयर का नाम क्या रखेंगे हम लोग, डर्मेटोजेन। ये टर्म कैसे बना, ये टर्म बना डर्म मतलब स्किन, डर्म मतलब स्किन, और जेन मतलब टू जेनरेट, जेन मतलब टू जेनरेट। तो पूरा टर्म क्या हो गया, डर्मेटोजेन, जो स्किन को जेनरेट करेगा। टर्म को याद नहीं करना है, समझना है, डर्म मतलब स्किन और जेन मतलब टू जेनरेट।
ये जेन वर्ड आया जेनरेटर से, हम लोग जेनरेटर से क्या करते हैं, हम लोग जेनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करते हैं। इसका मतलब जेनरेट का मतलब क्या हुआ, बनाना, उत्पत्ति, फॉर्मेशन। तो डर मेटोजेन शब्द का मतलब क्या हो गया, द एम्ब्रियोनिक लेयर विच विल जेनरेट डर्म, दैट इज स्किन। डर्म का मतलब स्किन। तो पहला हम लोग कौन सा थ्योरी को डिस्कस किए, द फर्स्ट थ्योरी डिस्कस वॉज एपिकल सेल थ्योरी, और एपिकल सेल थ्योरी के बाद हम लोग आते हैं सेकेंड थ्योरी में। तो पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लें, एपिकल सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, हमने पहला जो हम जब भी हम लोग थ्योरी की बात करेंगे, हमने कहा कि तीन बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, कौन से साइंटिस्ट उस थ्योरी को प्रपोज किए, दूसरी बात उस थ्योरी का कंटेंट क्या कहता है, और तीसरी बात किन चीजों के लिए वो थ्योरी एप्लीकेबल है। तो एपिकल सेल थ्योरी में साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया, कार्ल नागेली, किनके साथ मिलकर काम के लिए, हॉफमेसर। दूसरी बात, ये क्या कहे, तो इनका कहना था मेरिस्टेमेटिक एरिया में एक सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल है, वही सेल बार बार डिवाइड करता है, और पूरे इंटायर एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक सिंगल सेल बार बार डिवाइड करने के बाद पूरे इंटायर प्लांट को बना रहा है। तो क्या ये सच है, तो बोलेंगे यस इट इज एप्लीकेबल, लेकिन किसके लिए, तो इट इज एप्लीकेबल टू एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टू सम एक्सटेंट टेरिडोफाइटा, कुछ टेरिडोफाइटा प्लांट के लिए। टेरिडोफाइटा जब हम लोग कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में फर्न आ जाना चाहिए, एल्गी और ब्रायोफाइटा और कुछ टेरिडोफाइटा के केस में ही एप्लीकेबल हो गया। तो ये पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग दूसरे थ्योरी पे चल रहे हैं। दूसरे थ्योरी के बारे में लोग क्या बताए, हिस्टोजेन थ्योरी, और याद करने का तरीका क्या बताए, कि साइंटिस्ट का नाम हेस्टीन है, साइंटिस्ट के नाम पे पहले एच और लास्ट में एन है, जो कि थ्योरीज का भी है, थ्योरी में भी पहले एच है और लास्ट में एन है। हेस्टीन के हिसाब से इनके द्वारा बताए गए थ्योरी के बेसिस पे सबसे बाहर के लेयर का नाम रखा गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग कह दिए कि तीन लेयर है, इसमें बाहर वाले लेयर का नाम क्या रख दिया हम लोग, डर्मेटोजेन। अब हम लोग इस शब्द का मतलब बता रहे थे कि ये शब्द कैसे डिराइव हुआ, जेन शब्द का मतलब क्या बताया, जेनरेट करना, और डर्म शब्द का मतलब क्या बताया, स्किन। ये वो पोर्शन जो स्किन को जेनरेट करेगा, मतलब जब ये डिवाइड करेगा तो इससे क्या बन जाएगा, स्किन, और स्किन ऑफ द प्लांट को क्या कहते हैं, स्किन ऑफ द प्लांट को एपीडर्मिस कहते हैं, इसीलिए ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म एपीडर्मिस। मतलब क्या हो गया, हिस्टोजेन इज आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर का लेयर है, जो डिवाइड करके क्या बनाएगा, तो बोले ये डिवाइड करके एपीडर्मिस बना दिया। अब आते हैं दूसरे लेयर का, ये पहला लेयर हो गया, दूसरे लेयर का नाम रखे पेरीब्लेम, पेरी मतलब पेरीफेरी, ये कहां मिला, तो बोलेंगे ये डर्मेटोजेन के नीचे मिला, किसके नीचे मिला, डर्मेटोजेन के नीचे मिल रहा था, ये सेकेंड लेयर था, और ये क्या बनाया, कॉर्टेक्स ऑफ द प्लांट। कॉर्टेक्स किसको बोले हम लोग, एपिडर्मिस के नीचे, अभी जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, फिर उस डायग्राम को फिर से देखो, और देखो बाहर वाले लेयर का नाम क्या रखे थे, एपिडर्मिस, मतलब एक प्लांट जब बड़ा हो गया है, तो उस डायग्राम को फिर से निकालो और फिर से ऑब्जर्व करो, अपनी कॉपी में बनाओ और फिर से देखो, बाहर वाले लेयर को क्या कह रहे हैं हम लोग, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किससे बना, तो हम लोग आंसर दे दिए, डर्मेटोजेन एम्ब्रियोनिक लेयर का डिवाइड किया, जेनरेट किया और बना दिया बाहर का लेयर। अब फिर से डायग्राम को देखो, एपिडर्मिस के नीचे क्या बनाए थे, यस हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे वाले लेयर का नाम क्या रखे थे, जनरल कॉर्टेक्स। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या था, ये कॉर्टेक्स का पार्ट था, हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स, ये पूरा का पूरा लेयर कौन बनाया, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज का दूसरा लेयर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दूसरे लेयर का नाम क्या दिया गया, पेरिब्लेम। ये सारी बातें कौन साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी बातें हेस्टीन डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तुमको लगेगा सर बता रहे हैं, नहीं सर नहीं बता रहे हैं, ये सारी बातें हेस्टीन डिस्कस कर रहे हैं थ्रू महेश सर, हम ये बता रहे हैं, है ना, लेकिन डिस्कशन किसका है, हिस्टोजेन थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, हम लोग कहेंगे हेस्टीन।
तो क्या क्या बताया इसके बारे में? आउटर मोस्ट लेयर, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज हैव थ्री लेयर, कौन कौन? बाहर वाले का नाम रखे डर्मेटोजेन। नाम कैसे बना? अभी अभी सिखाए। जेन मतलब टू जेनरेट, किस चीज को जेनरेट किया? डर्म मतलब स्किन को, मतलब डर्मेटोजेन विल डिवाइड एंड फॉर्म, ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? स्किन ऑफ द प्लांट। और स्किन ऑफ द प्लांट का नाम क्या रखते हैं? एपिडर्मिस। फिर दूसरे पॉइंट हम लोग आते हैं, सेकेंड लेयर का नाम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रखे पेरिब्लेम। पेरी मतलब पेरिफेरी, चारों तरफ, पेरी मतलब चारों तरफ। तो प्लांट में एपिडर्मिस के अंदर चारों तरफ कौन है? तो कहेंगे ये हाइपोडर्मिस है और जनरल कॉर्टेक्स है। उस डायग्राम को फिर से देखो और डायग्राम को बिल्कुल याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है पूरी तरह से। वो दिमाग तुम्हारे पिक्चर, उसका पिक्चर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी पूरे 6-8 डायग्राम पे बेस्ड है। पूरे एनाटॉमी को हम लोग ऐसे ही 8 डायग्रामों से समझेंगे, रिटेन करेंगे और दावे के साथ ऐसा हम लोग समझेंगे कि एक भी क्वेश्चन मेडिकल का मिस नहीं हो। फिर हम लोग तीसरी बात पे हम लोग कह रहे हैं, अब आते हैं तीसरे लेयर पे। तीसरे लेयर का नाम रखे हम लोग प्लीरोम। प्लीरोम किसको बोले? सेंट्रल पोर्शन जो प्लांट का था। अब हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एक प्लांट जब ग्रो कर जाता है उसके सेंट्रल पोर्शन को, मतलब फिर उस डायग्राम में देखना, एंडोडर्मल सेल के नीचे ज्यों ही आते हैं पेरिसाइकिल मिलने लगा। पेरिसाइकिल से अटैच्ड वैस्कुलर बंडल दिख रहा है, बीच में कुछ और टिश्यू मिल रहा है जिसका नाम क्या रखे हैं? पिथ। इन सारे टिश्यू को मिला के एक नाम दे दिए, क्या नाम दिए? स्टीली। फिर से बोलो बेटा, क्या नाम दिए? इन सारे टिश्यू को मिला के क्या बोले? स्टीली। तो जैसे ही हम लोग स्टीली कहते हैं बच्चों, स्टीली का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज स्टीली। सेंट्रल पोर्शन को स्टीली नाम दिया गया। तो हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड लेयर, जब हम लोग स्किन की बात कर रहे थे तो कहे, जब स्किन की बात किए तो पहला नाम दिए डर्मेटोजेन, जो क्या बनाया? स्किन बनाया। जब दूसरे लेयर की बात किए तो कहे ग्राउंड टिश्यू को बनाया, हाइपोडर्मल सेल बनाया, जनरल कॉर्टेक्स बनाया। लेकिन अब जब प्लीरोम की बात किए, तीसरा एम्ब्रियोनिक लेयर, तो पूरा का पूरा सेंट्रल पोर्शन बना दिया। और वो सेंट्रल पोर्शन कौन है? एंडोडर्मिस के अंदर का सेल, जिसका नाम क्या रखे हैं? पेरिसाइकिल। क्या नाम रखे इसका हम लोग? पेरिसाइकिल। और नहीं, सेंट्रल पोर्शन का नाम हम लोग लास्ट वाले पोर्शन का नाम रखे प्लीरोम, जो क्या बनाया? ये फाइनली बनाया स्टीली। स्टीली कहां से शुरू हुआ ये कह रहे थे, स्टीली पेरिसाइकिल से शुरू हुआ और धीरे धीरे अंदर की तरफ जितने भी सेल हैं वो सब स्टीली का पार्ट था, जैसे वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये सारे पोर्शन को बोले प्लीरोम। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ये रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अच्छा और वैलिड थ्योरी माना जाता है। ये क्वेश्चन फिर मेडिकल में आया है, फॉर रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, कौन सी थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है? तो अब तक हम लोग दो थ्योरी देखे, पहले थ्योरी का नाम रखे एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी के बारे में क्या बताया? इट इज एप्लीकेबल टू लोअर प्लांट। लोअर प्लांट का एग्जाम्पल क्या क्या बताया? एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड सम टेरिडोफाइटा। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे पहुंचे, दूसरे थ्योरी का नाम क्या रखे? हिस्टोजेन थ्योरी। हिस्टोजेन थ्योरी के बारे में खास बात क्या बताया? हिस्टोजेन थ्योरी इज यूजुअली एप्लीकेबल टू रूट एपेक्स, मतलब रूट के एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अच्छे थ्योरी के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। और तीसरे थ्योरी का नाम क्या रखे? तीसरे थ्योरी का नाम हम लोग रखने जा रहे हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। फिर से बोलो नाम, क्या नाम बताया? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में अब हम लोग थर्ड थ्योरी के बारे में समझाना शुरू करते हैं, और इसको पहले हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं।